समझाना चाहूंगी उनको, जो कि इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट आपको समझाएंगे। नहीं
एक माध्यम से रोल प्ले के माध्यम से आपने देखा कि बुधा निष्कासन अवस्था होता है जिसमें बच्चे मन मुक्त का त्याग करते हैं, लेकिन उसके दूसरे अपोजिट साइड में होता है बुधा अवधारणा अवस्था। उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने मन मुक्त को रोकते हैं और उनको रोकने से क्या होता है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। अगर इस चीज को उस स्टेज में हम लोग ध्यान न दें तो वो व्यस्त होने पर उनके तंदुरुस्ती हर्ट और समय निष्ठा की व्यवहार उत्पन्न होते हैं जो बहुत ही दिक्कत करते हैं। तो एक साइड हम लोगों ने रोल प्ले के माध्यम से देखा और दूसरे साइड हम लोगों ने खुदा और धारणात्मक अवस्था को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज को पढ़ेंगे जो है फैलिक स्टेज और वो पीयर ट्यूटिंग माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे।